मुझे निमंत्रण किया गया दिया गया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और अध्यक्षता का बोझ मुझसे उतार दिया ज्ञान ने, उसके लिए भी धन्यवाद। पूरा चित्र क्षमता से पूरा चित्र चलाया। मेरा ताल्लुक सोशल जस्टिस से 70 साल से ज्यादा है, मतलब आदिवासी मुझे मेरे विद्यार्थी जीवन के समय से, उसके बाद IAS में प्रवेश करने से, IAS से रिटायर हुआ 28 साल पहले, उसके बाद भी उसी क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। और दलित आदिवासी पिछड़ों की जो बातें हैं उस पर निगरानी रखता हूँ, और जो मेरा मार्गदर्शन छात्र में देते रहता हूँ, जो नहीं चाहते हैं सरकार उनको भी मैं अपना सलाह थोपते रहता हूँ, वो माने या ना माने। उसको मैं पब्लिक डोमेन जानता हूँ, कई लोगों को मिला होगा। पहले एक बात कहना है, कुछ लफ्ज़े हमें वर्जित करना है। एक है अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य क्या है, अन्य का मतलब दूसरा संविधान में सही शब्द है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े, वही वजह से नहीं तो अन्य कहने से कोई भी हो सकता है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग का कोई प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। गरीब लोग हैं, उनके लिए मदद होना चाहिए, लेकिन वो आरक्षण नहीं है। सोशल जस्टिस की बात, जो सोशल इंजस्टिस से, परंपरा से, सदियों से और स्वतंत्रता उपरांत दशकों में भी पीड़ित है, उनके लिए है सोशल जस्टिस। ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो पीछे पड़े हैं, दलित हैं, उनको समान के स्तर में ला रहे हैं। किसी को गिरा दिए नहीं, लेकिन जो नीचे है उनको ऊपर लाने का मौका दे रहे। तो कुछ ऐसे लफ्ज हैं, तो कुछ लफ्ज हम अमेरिका से इम्पोर्ट किया है, अफर्मेटिव मतलब है तुम्हें ये भी आसानी है कि तिरस्कार करने का। अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन ये कंसेप्ट इसलिए लाया गया कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन खोखला है, अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये तो आप कुछ चाहते हैं क्या किसी विषय पर?
मंडल साहब के साथ जो आपका अनुभव रहा उस मैं खुद काल का आदमी हूँ, आप खुद काल का सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ भविष्य के बारे में ज्यादा नजर रखें। फिर भी एक इन्होंने जो कहा उसको मैं सवाल है मेरा मंडल कमीशन से ताल्लुक पहली तारीख जनवरी 1979 मंडल कमीशन की नियुक्ति का ऑर्डर मेरे दस्तखत के ऊपर मैं होम मिनिस्टर के जॉइंट सेक्रेटरी था, दलित और पिछड़ों के डेवलपमेंट वेलफेयर का सब्जेक्ट मेरे पास था, वो किसी ने दया से मेरे पास दिया, मैं जाके दिया जिसको पोस्ट नहीं चाहिए था, तो उस वक्त वो ऑर्डर मेरे दस्तखत से इशू हुआ। उसके बाद जब मंडल साहब दिल्ली आए उनको एक बंगला रहने के लिए दिया गया जनपद में, उनको उनके स्टेट के एक अच्छे अफसर संवेदनात्मक अफसर बिहार वाले शायद से होंगे लेकिन बहुत पिछले जमाने के शायद बोले भी होंगे, उनका नाम है टी एस मक्तू, किसी ने सुना है नहीं सुना है, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी भी रहे और उन्होंने मंडल जी को कहा कि आपको भारत सरकार से कुछ चाहिए तो एक ही आदमी है पी एस कृष्ण उनसे बात करें, उन्होंने मुझे फोन किया उनसे मिला, फिर कमीशन कैसे गठित होना चाहिए पत्र की बात सौगित के बाद फिर आगे किस तरह का दिशा में जाना चाहिए इस तरह की कई बातें हमारे हुई और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और मंडल कमीशन का ताल्लुक में रहा क्योंकि कोई भी मंडल कमीशन से ताल्लुक रखना नहीं चाहता बहुत से था। उसके बाद जब मंडल साहब ने अपना रिपोर्ट 31 दिसंबर 1988 को पेश किया तब वो विषय उनसे चीना गया, उनको मालूम था कि क्या मैं क्या लिखूंगा। 10 साल बीता, 10 साल में कई सवाल पूछे गए बारिश सवाल और मालवीय में चर्चा हुए, मंत्रियों का बैठक हुआ, मुख्यमंत्रियों का बैठक हुआ, सेक्रेटरियों का बैठक हुआ, फिर सेक्शन वगैरह का बैठक भी हुआ, ऐसे 10 साल चला। फिर मैं दिल्ली आया सेक्रेटरी के समकक्ष पद पर स्पेशल कमिश्नर कौशल विकास के रूप में, लेकिन जो उसी समकक्ष सेक्रेटरी का पोस्ट है जिसमें पॉलिसी निर्धारित होते हैं उस पोस्ट से मुझे बाहर रखा गया, वो उसी मुझे मिलने की एक गवर्नमेंट करना पड़ा जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और पासवान मंत्री बने तब मुझे उस उसी पर प्रमोशन नहीं था, वो मैं उसी लेवल पे था उसको बिठाया गया और उस एक साल में जो चीजें मैं किया बहुत कम समय था, मालूम था कि बीपी सिंह सरकार अल्पायु है और जो कुछ करना है जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो नौजवानों को शुरू का स्तर दिलाना, इसी स्तर पर समाधान दर्ज दिलाना, बाबा साहब अम्बेडकर का सेंटेनरी सेलिब्रेशन शुरू करना और वो भी बड़े पैमाने सरकारी पत्र में नहीं बाहर पूरे समाज को बोलते हुए और मंडल कमीशन को लागू करने का लोग मैंने एक अच्छे दिन देखे मेरा रूप भेजा वो था मई पहली तारीख, आप लोग जानते हैं पहली तारीख का इम्पोर्टेंस वो इंटरनेशनल वर्कर्स दिन है और बैकवर्ड क्लास में दलितों में सबसे ज्यादा लोग वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत मुख्य दिन है, उस दिन को मैंने भेजा। फिर जो भी सवाल पूछे थे मेरे पास भेज थे 24 घंटे में नहीं लेते थे फौरन जवाब देने के लिए, उसके बाद वही सवाल ये रहा बीपी सिंह के मेज पर गया, बीपी सिंह थोड़ा टाइम दिए क्योंकि उनको भी मालूम था कि
6 तारीख रात को यूपी से आसवान और मैं बैठ के उन्हें बुलाया था, बात की। तो हम उससे पहले ही उनसे चर्चा कर रहे थे, तो इस बात हमने कहा, हमारे राय कहा। फिर मैं घर गया, फिर रात को 10 बजे फिर मुझे बुलाव आया, फिर मैं गया। उन्होंने कहा कि मैंने ये कर दिया, कल घोषणा करूँगा, मैं जो बोलना है लिखे नहीं थी, मैं लिखे थे उनको घोषणा। उन्होंने 7 अगस्त 1990 को लोकसभा में पेश किया एक घोषणा करते हुए मेरा काम। तो वहाँ बैठते हुए उनको पॉइंट्स बताते रहा कि क्या क्या मुद्दे उठा रहे थे उसके खिलाफ, कौन कौन उठा रहे थे आप लोगों को मालूम है, उसका सत्य जवाब वही तो वही देने में देने के लिए उनको मदद दे रहा है। उसके बाद उस वक्त आपको मालूम है कि बहुत मुश्किल था प्रदर्शन शुरू करना, सब लोग जानते थे, बीपी सिंह के मिनिस्ट्री के लोग भी कुछ लोग उसके खिलाफ थे। आप उसका उस जमाने का इतिहास जानते हैं, 200 दिन का बोल रहे थे, 200 दिन बैठक नहीं है, 200 दिन बैठक नहीं है, वो कैसे है 20 साल बाद की जाएगी। और उसमें जब डीपली से मैं अध्ययन करता हूँ और जातियों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो 20 साल बाद क्रीम लेयर की बात करने की उसमें बात कही, जो मुझे लगता है। और दूसरी बात कि जो उसमें क्रीम, मुझे लगता है कि 20 साल बाद उस सिफारिश में बात कही गई है कि 20 साल बाद ओबीसी में क्रीम लेयर का प्रावधान होना चाहिए।
और जो मैं प्रश्न आया कि 20 साल तो पूरे हो गए, 25 साल पूरे हो गए, 1993 में जो उच्च शिक्षा में आरक्षण नहीं था, केवल नौकरियों में था, सरकारी नौकरियों में था केंद्र सरकार की, तो उसकी तो अभी तक समीक्षा नहीं हुई, कारण क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि इसकी समीक्षा कब की जाएगी, ये जो है अभी उच्च शिक्षा में जो 2008 में लागू, समीक्षा कब की जाएगी? हाँ ये आपका सवाल है, 20 साल वाला हाँ। समीक्षा कब की जाएगी? और कोई सवाल है? सब लोग निस्संदेह हैं, किसी को कोई संदेह नहीं है। एक सवाल छोटा सा,